हेलो फ्रेंड्स, झटपट मम्मी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाएंगे नींबू के अचार। उसके लिए हम लिए हैं आधा किलो मिर्च हरी, आधा किलो नींबू, अदरक, लहसुन, चीनी, काला नमक, सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, और हम खट्टा और मीठा अचार बनाएंगे। आप लोग रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा। इस मसाले, गरम मसाले को हम पहले भून लेंगे, जो धनिया और ये सब है, जीरा उरा, अजवाइन, सबको अभी भून लेंगे, फिर इसको हम पीसेंगे। देखिए, हम तावा पे भून लेंगे इसको, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ को नहीं भूनेंगे, सौंफ कच्चा ही डालेंगे क्योंकि भून के हम तावे पे मसाला तैयार कर लेंगे। पहले इसे भून लेते हैं अच्छी तरह से। फिर इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए, हमारा मसाला भून गया है। जो तैयार करना है मसाला, अजवाइन और जीरा, धनिया, सौंफ सब, इसको हम पीस लेंगे। देखिए, हम अपने अदरक को काट ले रहे हैं। मसाला तैयार हो गया है हमारा। अदरक को बारीक काट लेंगे। अब अदरक काट लिए हैं, अब मिर्चा हम काट लेंगे। इस तरह काटेंगे लंबा लंबा। आप चाहें तो छोटा छोटा भी करके काट सकते हैं, लेकिन हम लंबा ही काट रहे हैं इसको। अब हम मिर्चा काट लिए हैं, अब इसमें हम लहसुन भी डाल देंगे क्योंकि हम मिर्चा के हिसाब से ही कमी मिर्चा था, और नींबू तो हम उसी हिसाब से लहसुन छीले हैं। अभी नींबू को इस तरह काटेंगे लंबा में। देखिए, नींबू रस वाला है। इसी तरह सब हम काट लेंगे अपना नींबू। देखिए, हम नींबू और मिर्च, अदरक सब काट लिए हैं। अब इसमें हम तेल नहीं डालेंगे, बिना तेल के ही बनाएंगे। और इस मसाले में हम और साबित ही मसाला मिला दिए हैं, जिसे अजवाइन उजवाइन और सौंफ, मेथी, थोड़ा खड़ा मसाला है। अब इसको इस तरह हम मिक्स करें। इसमें मिर्च नहीं, लाल वाली डालेंगे क्योंकि हमारी हरी मिर्च ही बहुत चटपटी है, इसलिए हम नहीं डालेंगे। ये हमारा काला नमक है, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। काला नमक से हम काला ही नमक डालेंगे इसमें। ये चीनी है, चीनी भी डालेंगे, थोड़ा खट्टा मीठा होगा चीनी से। नींबू है खट्टा और चीनी मीठी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि नींबू हमारा गलेगा भी तो पानी छोड़ेगा। और आप चाहें तो नींबू को, इस तरह पानी कम लग रहा है इसमें, तो नींबू को इस तरह गार लें, ऊपर से गीला हो जाएगा। देखिए, हमारा नींबू और मिर्च, अदरक, लहसुन सब मिक्स हो गया है अचार। बहुत अच्छा बना है अचार हमारा। अब इसको हम डिब्बे में भर लेंगे। आप कम से कम 2-4-5 दिन धूप में रखिएगा इसको, क्योंकि धूप लगेगी तो मिर्च और नींबू गल जाएगा अच्छी तरह से। फिर आप अपने घर में रख दीजिए इसको। और हमारी वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।